हरिओम, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं योगा लोकेश। आज हम उस मुद्रा की बात करने वाले हैं जो मुद्रा सिंगर्स के लिए बहुत अच्छी है, जिनको आवाज़ में प्रॉब्लम है, जिनको स्टैटरिंग की प्रॉब्लम, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, तुतलाहट की प्रॉब्लम है, जो साफ नहीं बोल पाते, उस मुद्रा की हम बात करेंगे। जो मुद्रा हमें बोलने में, सही बोलने में बहुत सहायक है। तो इस मुद्रा का नाम समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस मुद्रा को कितने समय तक हमें करना है। तो यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आपको 15 से 20 मिनट रोज करना है। जिनको स्पेशली, जिनको बोलने की प्रॉब्लम है, या जो सिंगर हैं जिनको आवाज़ बहुत अच्छी चाहिए, और साथ ही साथ जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ है, उनके लिए काफ़ी अच्छी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि यह हमें हमारे शरीर की शुद्धि चाहिए, या हमें हमारे शरीर का एक प्रकार से एकदम शुद्ध शरीर चाहिए, तो जिस तरह से हम भगवान की प्रार्थना अर्चना करते हैं, जब हम भगवान को नहलाते हैं, तब हम जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसमें, जब हम पानी का उपयोग करते हैं और जब भगवान को नहलाते हैं तो पानी शुद्ध होता है, इसी तरह से यह मुद्रा भी हमारे शरीर को उसी रूप से शुद्ध कर देती है। यह मुद्रा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विद्यार्थियों के लिए। तो इस मुद्रा को करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इस मुद्रा को आपको कम से कम 10 से 15 मिनट रोज करना है। तो कैसे हम इस मुद्रा को करेंगे वह हम देखते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको आपके सीधे हाथ के अंगूठे को इस तरह से चारों उंगलियों से ऐसे पकड़ना है। अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे पकड़ने के बाद उसे पूरा टाइट नहीं करना है, बस ऐसे पकड़ना है ताकि आपकी चारों उंगलियाँ अंगूठे को कवर कर पाए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से लेफ्ट हैंड का अंगूठा ऐसे रहेगा और राइट हैंड की चारों उंगलियाँ इस तरह से आपके अंगूठे से टच होंगी। तो इस मुद्रा को देखते हैं हम, यह मुद्रा होती है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा जिसका हमने योग में उपयोग किया है, शंख प्रक्षालन के रूप में भी हम समझते हैं, वही मुद्रा जो आपके शरीर की शुद्धि करती है। तो इस मुद्रा के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई मुद्रा के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।